दुनिया भर में एक बार फिर कोरोना की दहशत देखने को मिल रही है। ऐसे में अब बढ़ते मामलों को देख नई गाइडलाइन और पाबंदियां भी लगनी शुरू हो गई हैं। भारत ने भी बड़ा फैसला लेते हुए कोरोना को लेकर नए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। भारत ने सबसे पहले दूसरे देशों से आने वाले यात्रियों के लिए गाइडलाइन जारी कर दी है। भारत के द्वारा जारी गाइडलाइन में सबसे पहले यात्रियों को वैक्सीन लगवाने की सलाह दी गई है। सरकार का कहना है कि आप जिस किसी भी देश में हैं, यात्रा करने से पहले वैक्सीन जरूर लगवा लें। विमानों में भी अब सोशल डिस्टेंसिंग से लेकर मास्क और सैनिटाइजर जैसी चीजों के लिए भी एयरलाइंस कंपनियों को दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। विमान या एयरपोर्ट पर अगर किसी यात्री में कोरोना के हल्के लक्षण भी दिखते हैं तो उन्हें तुरंत आइसोलेट करना होगा। फ्लाइट में बोर्डिंग और डीबोर्डिंग के समय पहले की ही तरह अब थर्मल स्क्रीनिंग और सैनिटाइजेशन जैसी प्रक्रिया की जाएगी। इतना ही नहीं, अब एयरपोर्ट पर स्वास्थ्य कर्मियों की भी तैनाती की जाएगी। फ्लाइट में कुल पैसेंजर्स की संख्या के 2/3 यात्रियों की रैंडम टेस्टिंग की जाएगी। ऐसे पैसेंजर्स की जानकारी एयरलाइन कंपनियों को देना होगा। सैंपल लेने के बाद यात्रियों को जाने दिया जाएगा। अगर टेस्टिंग के बाद किसी भी यात्री का सैंपल पॉजिटिव पाया जाता है तो तुरंत उसका सैंपल जीनोम सिक्वेंसिंग के लिए भेजा जाएगा। आपको बताएं तो गुरुवार को पीएम मोदी ने कोरोना को लेकर एक बड़ी बैठक की थी, जिसमें बढ़ते मामलों पर भारत की रणनीति पर विचार किया गया था। जानकारी के मुताबिक अभी देश को ऑब्जर्वेशन पर रखा गया है और अगर मामले बढ़ते हैं तो जरूर कोई बड़ा फैसला भी लिया जा सकता है। अगर मौजूदा समय में भारत में कोरोना के मामलों की बात करें तो केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान देश में 163 नए मामले सामने आए हैं। इससे पहले 22 दिसंबर को 185 नए मामले सामने आए थे। वहीं कोरोना के नए वेरिएंट BF.7 के भी कुछ मामले भारत में सामने आ चुके हैं। बहरहाल, हमारी इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। बाकी देश और दुनिया की अन्य बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए आज तक डिजिटल।